Security has been heightened in Darbhanga after a clash broke out between the two groups during the Ram Vivah tableau taken out in Tarauni village. According to the Darbhanga SDM, Vikas Kumar, there was some urgent argument between two communities over something, and then the matter got worse. The situation was controlled later on. In time, the culprits will be identified by examining the CCTV footage on record and will be given strict punishment, as the statement is coming from the authorities. The reason why the incident happened will be known after the investigation. At present, the situation continues to be a little stable. Aditya Kumar joins me live on the broadcast. Aditya, जो ये दरभंगा में incident हुआ है, stone pelting भी बताई जा रही है इसके पीछे उसके बाद हुई है, और जो authorities हैं उन्होंने कहा है कि इसमें probe हो रहा है, investigation चल रही है, but अभी जो situation है वो normal है. आप बताइए कि क्या इस पूरे सिचुएशन में हुआ था, और किस तरीके से जो पुलिस है उसका भी कहना है दरभंगा में जो क्लैश था उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन देते हुए. जी सर, मैं आपको बताऊं पहले कि क्या मामला था कि विवाह पंचमी जो एरिया है मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी का जो इलाका है वो मिथिलांचल क्षेत्र माना जाता है, और मिथिलांचल में भगवान राम का ससुराल माना जाता है. इसको लेकर के वहां पर बहुत ही धूमधाम से विवाह पंचमी का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है और रैली निकाली जाती है. उसी बीच में ये मामला पूरा हुआ जब एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहा था, उसी वक्त जो है पत्थरबाजी शुरू हुई. किसी बात को लेकर के दोनों में बहस हुई दोनों पक्षों में, उसके बाद जो है सो दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई, जिसमें अभी 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं. और जो मौके पर पहुंचे प्रशासन के लोग हैं उन्होंने कहा है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या कारण था और किस तरीके से पूरी घटना हुई. जैसे सीसीटीवी वहां के कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं, साथ ही जो सिक्योरिटी सुरक्षा जो तैनात कर सुरक्षा बल जो है वहां पे तैनात कर दिए गए हैं, और वो सब जो है वहां पे हर एक चीजों को नजर बनाए हुए. लेकिन जो खास बातें जो समझ में आई है, जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विवाह पंचमी का एक पहले से आदेश लिया जाता है, वो रैली का आदेश जो था वो पहले से नहीं लिया गया था. कौन से रूट पर रैली जाने वाली है या लोग गुजरने वाले हैं इसको लेकर के कोई जो है आदेश पहले से नहीं लिया गया था. तो यानी कि इसमें दोनों पक्षों की जो बातें हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. आदेश लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे, या आदेश लिए गए थे भी तो क्या रूट उनको दिया गया था, या उस रूट पर वो थे, या क्या अपने रूट से वो डाइवर्ट होकर के चलने लगे थे. इन सभी मामलों के ऊपर भी जांच की जा रही है. साथ ही दूसरे पक्ष के जो लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की विवाह पंचमी की रैली के ऊपर, उसके लोगों से भी बातचीत की जा रही है कि किस बात को लेकर के दोनों में क्लैश शुरू हुआ, किस पर पहला ऐसा कौन सा मामला था जिस पे बात शुरू हुई, या बात शुरू होने के बाद में जो है इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई और झड़प जो है होने लगा और लोग घायल हो गए. वीडियो भी एक वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि कुछ लोग जो हैं उसमें रोकने भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझा बुझा भी रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों तरफ से पत्थरबाजी और धक्का मुक्की के वीडियो जो हैं वो वायरल हुआ था. अभी जिस तरीके से वहां पे व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पे सख्त है. एक कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं सबकी नजर, सबको जो है नजर में रखे हुए हैं प्रशासनिक व्यवस्था. जो लोग जो पुलिस के जो बल हैं वो वहां पे तैनात कर दिए. तैरौनी गांव जो है जहां पर वो गांव बताया जाता है कि बहुत ही बड़ा गाँव है, और वहां पे हर साल इस तरीके के आयोजन जो है वो किए जाते थे. तो अभी स्थिति यह है कि कंट्रोल में स्थिति है, किसी तरीके की कोई आवाजाही वहां पर अभी बाहरी लोगों का नहीं है. लेकिन अभी जिस तरीके से स्थिति वहां पर है उसके बाद देखा जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं वहां पर कैसे स्थिति को नियंत्रण कर पाते हैं और कैसे पूरी स्थिति को संभालते हैं. जी सर, फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन.